प्रिय छात्रों, CEW 104 की कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज जो अभ्यास आप सब करेंगे उसका उद्देश्य इस प्रकार है। क्लीट वायरिंग सिस्टम में दो लैंपों को सीरीज में अर्थात श्रेणी में एक स्विच द्वारा कंट्रोल करना। इस अभ्यास हेतु जो आवश्यक औजार प्रयुक्त किए जाएंगे वो इस प्रकार हैं। साइड कटिंग प्लायर, पेचकस, कॉम्बिनेशन प्लायर, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर, इलेक्ट्रीशियन नाइफ, पोकर, टेस्ट लैम्प, हथौड़ी, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आदि। इस अभ्यास में जो सामग्री प्रयुक्त की जाएगी अर्थात मटेरियल रिक्वायर्ड वह इस प्रकार है। धागा, वन वे स्विच, टम्बलर या फ्लश टाइप, बैटन होल्डर, वुडन राउंड ब्लॉक, पोर्सलीन टू वे क्लीट, बेस व टॉप के साथ, वुडन स्क्रू, विभिन्न साइज के लैंप, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर केबल्स, वायरिंग बोर्ड जिस पर कि यह अभ्यास किया जाएगा आदि। तो आइए अब अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कागज पर सर्किट डायग्राम अर्थात संयोजन आरेख बनाएं व अनुदेशक महोदय से उसकी जांच करवाएं। धागे पर नील आदि लगाकर वायरिंग के अनुसार वायरिंग बोर्ड पर रूट डायग्राम बनाएं। संयोजन आरेख स्वीकृत होने के पश्चात पोर्सलीन क्लीट के जोड़ों को पोकर और पेचकस की सहायता से ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल्स व क्षैतिज लाइन अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर की लगभग दूरी पर ढीले लगाएं।
अब सर्किट डायग्राम के अनुसार केबलों को क्लीटों के खांचों में डालें और केबलों को खींचकर क्लीटों को फिक्स करें व स्क्रू से टाइट करें। वुडन राउंड ब्लॉक व लकड़ी के बोर्ड पर होल्डर व स्विच को फिक्स करने के लिए सर्वप्रथम मार्किंग करें। मार्किंग के उपरांत केबलों के लिए ड्रिल मशीन द्वारा छेद करें। स्क्रू के लिए पोकर से होल करें व तत्पश्चात होल्डर व स्विच को उनके नियत स्थान पर कसें।
बिजली देने से पहले संयोजन आरेख को एक बार पुनः चेक करें व परिपथ को टेस्ट लैंप की सहायता से चेक करें। यदि दोष ना हो तभी मेन सप्लाई देकर चालू करें। सावधानियां प्रिकॉशंस। इस अभ्यास को करते समय हमें निम्न सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम वायरिंग करते समय केबलों का इंसुलेशन खराब नहीं होना चाहिए। केबलों को सदैव गोलाई में मोड़ना चाहिए। स्विच व होल्डर के टर्मिनल्स में केबलों के कंडक्टर अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, अर्थात लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लीटों में केबल को सीधे कसना चाहिए।